नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो, आवरा, हाउ आर यू? सो न्यू टॉपिक टुडे, बंजी डावा बनाना। आज का जो टॉपिक है वो वायरस रिलेटेड टॉपिक है, वायरल डिजीज है, जिसको हम बंजी डावा बनाना के नाम से जानते हैं। यह केले की बहुत प्रमुख बीमारी है और बंजी डावा के नाम से फेमस है। क्यों फेमस है? इसलिए कि इसमें बंजी टाप जो वायरस है, वायरस जो डिजीज को कास करता है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, उसी से नाम से बंजी टाप आप बनाना है, राइट? तो आज हम देखते हैं बच्चों, आज का जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक, बंजी टाप आप बनाना। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन या डिजीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए जहाँ भी बनाना की खेती होती है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, पूरे ऑल वर्ल्ड में और इन इंडिया में सभी जगह बनाना खेती होती है और हर जगह बंजी टापा बनाना रिपोर्ट किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि बंजी टापा बनाना डिजीज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमांग बनाना ग्रोइंग कंट्री। बंजी टापा बनाना हर जगह रिपोर्ट किया गया है संसार में, जहां जहां जिस जिस देश में बनाना की खेती होती है, लाइक फिजी, अमेरिका, कनाडा, सभी जगह बनाना खेती होती रहती है। द डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम फिजी इन 1879। पहली बार इस डिजीज को फिजी में 1879 में रिपोर्ट किया गया था, 1879 में। हमने लिखा कि द डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम फिजी इन 1879, 1879 ईस्वी में इस डिजीज को पहली बार रिपोर्ट किया गया था। इन इंडिया डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम केरला इन 1940, बट भारत में, अपने देश में, केरला स्टेट में 1940 ईस्वी में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया, राइट? दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। फर्स्ट कि डिजीज फिजी बनाना, बंजी टापा बनाना इज रिपोर्टेड फ्रॉम फिजी इन 1879, बट इन इंडिया रिपोर्टेड 1940 फ्रॉम केरला डिस्ट्रिक्ट, सॉरी केरला स्टेट, राइट? सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स के कैसे बनते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, लीफ को देखकर आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सो द डिजीज सिम्टम अपीयर एट एनी स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। जो बंजी टापा बनाना है वो एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज से लेके पूरे सीडलिंग से लेके ऊपर तक किसी भी स्टेप में डिजीज लगता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है। यंग लीफ आर इन्फेक्टेड प्लांट डेवलप, जो यंग लीफ पे इन्फेक्टेड अगर होगा तो प्लांट का डेवलप ग्रोथ डार्क ग्रीन ऑन देयर पेट्यूल्स एंड वेंस, उसकी डार्क ग्रीन कलर में जाएगा, पेट्यूल्स वेंस सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियां हल्की हल्की डिस्कलर्ड हो जाती है एंड मार्जिन बिकम क्लोरोटिक एरिया, और पत्तियां क्या होती हैं, क्लोरोटिक एरिया में बन जाती थी। पत्तियां मतलब क्लोरोटिक एरिया में, कि जितने जहां जहां भी डेड सेल्स इन्फेक्शन होगा, डेड सेल्स जो सेल होगी वो डेड करती चली जाएगी और पत्तियां सूखती ड्राई करती चली जाएंगी। प्लांट्स आर स्टैंडर्ड विथ नैरो एंड इरेक्ट लीफ, पत्तियां छोटी जाएंगी, पौधे बौने हो जाएंगे एंड फ्रूट्स आर नॉट फॉर्मेड, और उसमें बाद में चलकर फ्रूट्स भी नहीं बनते हैं। तो वायरस से जो इन्फेक्शन होता है, जो सिम्टम बनते हैं, पौधे छोटे जाते हैं, बौने रह जाते हैं, क्लोरोटिक हो जाता है, उसमें फ्रूट्स नहीं, फ्रूटिंग नहीं होगा, फ्लावरिंग ही नहीं होगा, फ्रूटिंग कहाँ से होगा? तो इसके सिम्टम्स हैं जिससे यील्ड हमारा काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि किसानों का मेन मोटो होता है कि कम से कम लागत ला के अधिक से अधिक उत्पादन लेना। उसके लिए वो अच्छी पैदावार खेती, अच्छी खेती कैसे करते हैं, अच्छी लागत लागत खेती करते हैं जिससे यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन अगर उसी के बीच में रोग लग गया हो, इन्फेक्शन हो, तो हमारी यील्ड क्या करती है, नुकसान हो जाती है। काजल अग्निजम देखते हैं, काजल अग्निजम में बनाना बंजी टाप वायरस या नैनो वीडी वायरस, जिसको हम बनाना बंजी टाप वायरस भी कहते हैं, राइट? बनाना के नाम से ही बंजी टाप वायरस जो डिजीज कार करता है उसी के नाम से बनाना बंजी टाप वायरस। ट्रांसमिशन देखिए, कभी वायरस अपने से ट्रांसमिट नहीं होता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर उसको इंफेक्ट करते हैं, जिसको हम वेक्टर के नाम से कहते हैं। तो इसमें जो वेक्टर कार्य करेगा, वाहक कार्य करेगा, उसको बनाना एफिड इंसेक्ट है, जिसको हम बनाना एफिड कहते हैं, वही वायरस का ट्रांसमिशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे करता है और उसको बटिंगल नेम है पेंटालोनिया निग्रोवर्सा, राइट? पेंटालोनिया निग्रोवर्सा। वायरस, जो वायरस
बना है थोड़ा वायरस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वायरस कंटेंट कहते हैं, देखिए द वायरस इज आइसोमेट्रिक विद 18 to 22 नैनोमीटर। जो वायरस है वो आइसोमेट्रिक टाइप होता है और उसका जो लंबाई होता है वो 18 से लेकर 18 से लेकर 22 नैनोमीटर के बीच में होता है। एंड कंटेन सर्कुलर कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और उसका जो गोलाकार होता है सर्कुलर होता है। इस तरह के वायरस इस बनते हैं, ये वायरस सर्कुलर होते हैं। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और यही पत्तियों पे ही इस तरह के वायरस डिजीज काज होते हैं, राइट। तो 18 से 22 नैनोमीटर लंबाई थोड़ा इसकी होती है, सर्कुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो क्या होता है, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं विथ मल्टीपर्टाइल। द कोड प्रोटीन ऑफ वायरस इज ए मॉलिक्यूलर वेट। जो प्रोटीन कोड का है, क्योंकि इस पे कोई सेलवाल आपने जानते हुए कि वायरस के ऊपर कोई सेलवाल नहीं पाई, बल्कि क्या पाया था, प्रोटीन कोड पाया जाता है और इस प्रोटीन कोड का वेट है 21 केल्विन, राइट। बात समझ आ रही है, वायरस सर्कुलर होंगे, गोलाकार हो सकते हैं और 18 से 22 नैनोमीटर के बीच में हो सकते हैं और इसकी जो प्रोटीन कोड की लंबाई होगी 21 केल्विन होगी। सर्वाइवल कैसे सर्वाइव करते हैं, डिजीज कैसे सर्वाइव करता है, तो द वायरस सर्वाइव इन इन्फेक्टेड सकर्स यूज फ्रॉम प्लांटिंग प्रोवाइडेड प्राइमरी इनोकुलम। जो वायरस है वो सकर्स जब लगते हैं, छोटे छोटे सकर्स केले के लगते हैं, उसी समय से वायरस सर्वाइव कर जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और फिर इन्फेक्शन करता है। इसलिए हम बहुत ध्यान से सकर्स ले जाएं, उसको हम ट्रीट कर लें तब भी तब ले जाएं। तो आपने देखा कि द वायरस सर्वाइव इन इन्फेक्टेड सकर्स यूज्ड फॉर प्लांटिंग प्रोवाइड्स प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम का जो कार्य करता है वो सकर ही करता है, राइट। मैनेजमेंट करना है, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, तो फर्स्ट है यूज्ड ओनली वायरस फ्री प्लांटिंग। हमेशा वायरस फ्री प्लांटिंग करें, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसमें वायरस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सकर्स, हमेशा एक अच्छे सकर्स का चयन करें। नंबर टू पॉइंट, रेसिस्टेंट वैरायटी ताइवान लोकल एंड लान या चाओ के नाम से जो फेमस है, रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज हम करें, यूज फॉर रेसिस्टेंट वैरायटी। नेक्स्ट है कि एफिड वेक्टर कंट्रोल स्प्रे ऑफ रोगार 0.02%। जो हमें एफिड को कंट्रोल करना है और उसको 0.02% रोगार को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं जो एफिड को मार देते हैं और वायरस एक स्थान दूसरे स्थान फैलने से रुक जाता है। तो बच्चों आज की जो टॉपिक है वो है बंजी टॉप ऑफ बनाना, एक टॉप बनाना टॉप जो है बनाना वायरस से डिजीज काज होता है, उसको हम बनाना वायरस के नाम से कहते हैं। यह सर्कुलर वायरस होता है, इसमें प्रोटीन कोट का जो वेट होता है वो 21 केल्विन होता है और उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं, राइट। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।